नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत कुमार और आप देख रहे हैं बैक टू बैक जीएस। मित्रों, मैंने पिछले क्लास में ये कहा था आप लोगों से कि मैं अगली क्लास जो लाऊंगा वो प्रकाश संश्लेषण का लाऊंगा, सो मैं उस क्लास को लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले कि आगे बढ़े, आप सभी व्यूअर से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल बैक टू बैक जीएस को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे प्रकाश संश्लेषण। तो मित्रों, प्रकाश संश्लेषण एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, इससे अक्सर एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो ये जो लेक्चर होने वाला है इसके साथ में 30 से 40 ऐसे प्रश्न डिस्कस करूंगा एमसीक्यूज जो कि काफी टाइम से एग्जाम में पूछा गया है। उन सभी प्रश्नों को आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो एक अच्छा सा हेडिंग बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब सबसे पहला ही प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इसको जानने से पहले हम इतनी सी बात समझ लें कि जिस तरीके से हम लोग अपना भोजन का निर्माण करते हैं उसी तरीके से पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। तो जिस प्रोसेस के द्वारा पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब मित्रों, यहां पे एक और ही बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये बनेगा कि क्या जिस तरीके से हम लोगों को खाना बनाने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है, क्या प्लांट को भी इसी तरीके की चीजों का आवश्यकता होगी। तो मित्रों, इसका सही जवाब ये है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि इसे भी जिस तरीके से हम लोगों को खाना बनाने के लिए किचन की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी किचन होती है। तो इस प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी इसमें हम बात करते हैं। तो जो पहला आवश्यक तत्व होगा इसके अंदर वो होगा सूर्य का प्रकाश। सेम वे में जिस प्रकार से हमारे यहाँ हीट के लिए गैस होती है, स्टोव होती है, उसी तरह इसको हीट के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों वो है जल। यानी H2O। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीन चीजें हैं जो किसी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अति आवश्यक है, बिना इसके भोजन का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं कि ये तीन चीजें कहां से आती हैं। तो प्रकाश जो है, प्रकाश ये सूर्य से, जैसा कि लिखा हुआ है कि सूर्य का प्रकाश, तो कहां से मिलेगा, सन से मिलेगा। और यहां पर एक प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है मित्रों कि ये सूर्य का प्रकाश में एनर्जी कहां से आता है। तो यहां पे सूर्य में एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं नाभिकीय शल्यन प्रक्रिया के द्वारा इसके अंदर एनर्जी आता है। और वही एनर्जी क्या होता है, पौधे के अंदर उसी को वो पौधे लेने का काम करता है। दूसरा जो होता है वो होता है जल। तो जल जो है इसके जड़ों के द्वारा, है ना, जड़ों के द्वारा केशिकात्व क्रिया, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं
कैपिलरी, कैपिलरी एक्शन के द्वारा, कैपिलरी एक्शन के द्वारा ये जड़ जो है जल का अवशोषण करके ये दे देता है जाइलम नामक ऊतक को देता है। जाइलम नामक ऊतक जो है इस जल को जड़ से कहां तक पहुंचाएगा, जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। तो हमने दो चीजों का प्रबंध कर लिया मित्रों, पहला हमने सूर्य का किरण, तो वो तो डायरेक्टली पड़ जाता है, दूसरा है जल, तो जल को किसने लिया, जल को जड़ों के द्वारा, कौन सा, केशिका, कैपिलरी एक्शन के द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा ये जड़ से पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो हमें अब तक दो चीज मिल गया, तीसरा जो चीज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2 कहां से मिलेगा, तो CO2 हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल में 0.03% उपस्थित है। तो यहां से हम क्या ले लेंगे, CO2, यानी हम ये कह सकते हैं कि पौधे, प्रकाश की क्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तीन पदार्थ हैं, वो पहला है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है जल और तीसरा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य का प्रकाश हमने कहां से लिया, सन से लिया डायरेक्ट, और सन में जो सूर्य जो है उसमें एनर्जी का क्या कारण है, तो उसमें है नाभिकीय सेलेन। नाभिकीय सेलेन के अंतर क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम नाभिक बनाते हैं, दो छोटे छोटे नाभिक जो है मिलकर के एक बड़े नाभिक हीलियम का निर्माण कर देते हैं, और बड़े पैमाने पे क्या होते हैं, एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी का प्रयोग होता है फोटोसिंथेसिस में। जल जो है हम लोग जानते हैं कि हमारे ग्राउंड में, ग्राउंड के नीचे क्या है, जल है, उसी जल को पौधे के जड़ों के द्वारा कैपिलरी एक्शन, इस एक्शन को याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है कि पौधे में जो है जड़ से तना तक पानी किस एक्शन के द्वारा जाता है, तो वह किसी तत्व क्रिया या कैपिलरी एक्शन के द्वारा, और ये जाता किसके थ्रू है, तो इसको ले जाने का काम करता है जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है, और जाइलम ऊतक ही क्या करता है कि जड़ से पत्तियों तक पानी को या खनिज और लवण को ले जाने का काम करता है। तो अब ये हुआ मित्रों कि ये जो पूरी प्रोसेस हो गए, अब हमें क्या मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया, जल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो ये पत्तियों में पहुंचने के बाद क्या होता है वो अगले स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप नोट भी करते जाएंगे, जिस तरीके से मैं खाका खींच रहा हूं आप नोट भी करते जाएं। अब चीजें पत्तियों में पहुंच गई है, तो लीफ के अंदर जो होता है, लीफ के अंदर एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में ये तीनों चीजें, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है ये हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्यों हरे रंग का होता है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण क्लोरोप्लास्ट हरा रंग का होता है, और इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg, क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है, जिसी के कारण ये क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। मैंने कहा कि पत्तियों के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, ये क्यों हरे रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल क्यों हरे रंग का होता है, तो इसका जवाब ये है मित्रों कि क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। तो यहां पे देखने की कोशिश करेंगे, यहां पे खाना जब बनकर के रेडी हो गया तो इसका एक समीकरण के रूप में बनता है, जो समीकरण देखेंगे कि समीकरण होता है, तो ये बात याद रखिएगा कि अभी तक हमने
जो तीन चीजें हैं वो सारी के सारी चीजें कहां पहुंच गई, पत्तियों में, और पत्तियों को ही ये बोला जाता है पौधों का किचन कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि किचन ऑफ प्लांट किसे कहते हैं, तो ये पत्तियों में, और पत्तियों में कहां, तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की कैसा रंग का होता है, तो हरे रंग का होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्यों हरा होता है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल क्यों हरा होता है, तो इसके अंदर मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। साथ ही साथ ये क्लोरोफिल की खोज किया था सिंपर नामक वैज्ञानिक ने, सिंपर नामक वैज्ञानिक ने इस क्लोरोफिल की खोज किया था। तो यहां तक हम देख लेते हैं। इसके बाद है इसका एक समीकरण है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। सिक्स CO2 प्लस 12 H2O और इसको हम सनलाइट, है ना, सूर्य की प्रकाश देंगे, सूर्य के प्रकाश, और दूसरा नीचे में होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये क्रिया करता है तो जो बनता है प्रोडक्ट वो बनता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6CO2। तो ये जो बाय प्रोडक्ट बना ये हो गया हमारा क्या, ग्लूकोज। ये हो गया क्या, ग्लूकोज, और ये 6 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 O2 यानी क्या बने, 6 O2 माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अणु, और 6 क्या बन गए हमारे पास, जल हो गया। तो हमने ये किया कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और 12 जल के मॉलिक्यूल्स को हमने दिया किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो बाय प्रोडक्ट जो खाना बन के रेडी हुआ वो निकला C6H12O6, है ना। तो इसे हमने क्या कहा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये ग्लूकोज निकला प्लस क्या निकला, तो 6 अणु जल के बने और 6 अणु क्या बन गए, ऑक्सीजन के बने। तो यहां पे एक पीपीएससी ने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा था कि यहां पे जो ऑक्सीजन बना है वो किसके कहां से आया है। तो मित्रों ये जो ऑक्सीजन बना है वो जल के उपचयन के द्वारा बना है। कैसे बना है, जल के उपचयन क्रिया के द्वारा ये ऑक्सीजन बनकर के यहां आया है। तो यहां से दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि पहली बात कि जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H12O6, और दूसरी बात कि ये जो ऑक्सीजन निकलता है वो जल के उपचयन के बाद बनता है। तो यहां पे जो ये 6 जो अणु बन गए जल के, इसको जो है बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा, बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा, बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा इसको पौधे के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं, और ये गैस भी विसरण के द्वारा, है ना, डिफ्यूजन, विसरण क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि भोजन बनकर के रेडी हो गया। तो देखते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं इसी प्रोसेस को। हमने क्या किया कि 6 मॉलिक्यूल लिया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 मॉलिक्यूल लिया किसका, जल का, इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल, ये दोनों के प्रेजेंस में जो प्रक्रिया हुआ, अभिक्रिया हुआ, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो बना C6H12O6। ये हमारा हो गया फॉर्मूला किसका, ग्लूकोज का। इसके साथ ही 6 अणु जल के बने, है ना, तो जल के बने, तो ये जो है वायुमंडल में छोड़ दिए गए किसके द्वारा, बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा, और 6 अणु जो ऑक्सीजन के बने वो कैसे बने, जल के उपचयन के द्वारा और विसरण प्रक्रिया के द्वारा ये वायुमंडल में छोड़ दिए गए। तो ये यहां पे एक और ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया था,
वो सुनिएगा। बहुत ही हल्का प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ध्यान ध्यान की बात है। प्रश्न ये पूछा गया था कि वह कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल में CO2 की गैस की वृद्धि नहीं हुई है। तो उसका ऑप्शन था ये ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ऑप्शन बी था प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन सी था दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप इसके ऑप्शन मुझे पूरे याद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्वालामुखी से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया हमारा, है ना, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर नहीं आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है मित्र कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है? तो इसका जवाब यह है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए केवल सूर्य का प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण होगा कि कृत्रिम लाइट के ऊपर, यानी जो हम लोगों के बाय नेचर नहीं कह सकते उसको, जो ह्यूमन मैन मेड लाइट होगा, जो कृत्रिम लाइट होगा, क्या उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की घटना होगी? तो इसका जवाब यह है कि कृत्रिम लाइट में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और नेचुरल लाइट में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो हम लोग देखते हैं कि कृत्रिम लाइट के अंदर क्या होता है और नेचुरल लाइट के अंदर क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो नेचुरल लाइट और कृत्रिम लाइट दोनों में होती है। तो जो कृत्रिम पौधे जो होते हैं वो पौधे केवल नेचुरल लाइट में, जो केवल नेचुरल लाइट होगा, जो सनलाइट होगा, उसके अंदर ही ये काम करेगा, इसके अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। लेकिन समुद्री शैवाल हैं, समुद्री शैवाल ये जो है वो जो है कृत्रिम लाइट के अंदर, जैसे चंद्रमा के लाइट हो गया, चंद्रमा के लाइट या अन्य किसी सोर्स के द्वारा अगर लाइट उनको दिया जाए पर्याप्त, तो उसके अंदर भी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहीं पे ये भी पूछा गया है कि अगर 100% हम ले ले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, 100% हम रखे, तो इस 100% में मित्रों 90% जो होता है वो कहां होता है, जल के अंदर, यानी जलीय, जलीय पौधों के द्वारा 90% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जलीय पौधों के द्वारा किया जाएगा, और शेष 10% जो होगा वो स्थलीय पौधों के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि 100% अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को मान लें, तो 100% में से 90% जो क्रिया होगा वो जलीय पौधा के द्वारा, और 10% जो होगा वो किसके द्वारा होगा, स्थलीय पौधों के द्वारा किया जाता है। और इस 90% में भी 85% जो होता है, 85% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है मित्र, वो किसके द्वारा होता है, समुद्री शैवालों के द्वारा, किसके द्वारा, समुद्री शैवाल के द्वारा, यानी समुद्री। और ये 5% जो है वो होता है नदी, तालाब, है ना, पोखर, इसके द्वारा किया जाता है। तो इस चीज को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा कि 100% प्रकाश संश्लेषण में से 90% कहां पे हो रहा है, जल में हो रहा है, 10% कहां पे हो रहा है, स्थल पे हो रहा है, इस 90% में 85% कहां हो रहा है, समुद्र में हो रहा है, और बाकी 5% कहां हो रहा है, नदी, तालाब, पोखर इत्यादि जगहों पर हो रहा है। तो हमने एक ये प्रश्न देखने की कोशिश की। दूसरा यही भी एक अच्छा सा प्रश्न ये पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में जितने भी ऑक्सीजन हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन का लगभग 70%, यानी ऑक्सीजन का 100% में अगर हम माने तो 70% ऑक्सीजन तो होता है वो हमें कौन देता है, समुद्री शैवाल के द्वारा दिया जाता है। तो एक बहुत ही बड़ा पार्ट जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की होती है वो कहां पे होता है, जल के अंदर होता है।
तो ये प्रश्न, एक प्रश्न तो ये पूछा गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मित्रों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कितनी प्रकार की है। तो फोटोसिंथेसिस की अगर बात करेंगे हम, फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्राइमरी फोटोसिंथेसिस, और दूसरा होता है सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस, प्राइमरी फोटोसिंथेसिस और सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस। अब इसमें बहुत ही नॉमिनल सा अंतर है मित्रों, उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, वो देखेंगे हम लोग कि प्राइमरी फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी ये जो क्रिया होगी वो सूर्य की उपस्थिति में होगी, और ये जो क्रिया होगी सेकेंडरी प्रोसेस जो होगा वो होगा अब्सेंस ऑफ सनलाइट। दूसरी जो क्रिया होगी, मैंने क्या कहा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पहली प्राइमरी फोटोसिंथेसिस किसके अंतर्गत हुआ, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, और सेकेंडरी प्रोसेस किसके अंदर होगा, अब्सेंस ऑफ लाइट यानी लाइट जो सनलाइट होगी उसकी अनुपस्थिति में होगा। जब भी प्राइमरी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा क्या, हमारा ग्लूकोज, क्या बने, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, क्या बनेगा,